ओमिक्रॉन कोरोना वायरस का अब तक का सबसे अधिक ट्रांसमिसिबल वेरिएंट है। क्योंकि ओमिक्रॉन का सर्ज भारत में चल रहा है, तो ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि उनको बचाव करने के लिए सबसे अच्छा मास्क कौन सा है। आइए इन सवालों के जवाब जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर चंद्रकांत लहारिया है। मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूँ और पिछले 2 सालों से COVID-19 बीमारी, वायरस एंड वैक्सीन के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। पहला सवाल, मास्क कितने टाइप के होते हैं? तो हम जो COVID-19 के बचाव के लिए जो मास्क यूज किए जाते हैं उनको 3 बड़े समूह में रख सकते हैं। पहला समूह है हाई फिल्ट्रेशन मास्क, जिनको आम भाषा में N95 भी कहते हैं। हालांकि इनमें कई तरह के होते हैं, N95, KN95, N94, FFP2, FFP3, N99 और N100। ये सबसे बेहतर मास्क माने जाते हैं क्योंकि इनकी फिल्ट्रेबिलिटी होती है, वो जैसे N95 करीब 95% पार्टिकल्स को रोक सकता है। साथ में इनकी फिट भी होती है, वो काफ़ी बेहतर होती है। तो सबसे बेहतर मास्क हाई फिल्ट्रेशन मास्क होते हैं। इनको हेल्थ वर्कर्स और अन्य लोग भी काफ़ी नियमित रूप से यूज करते हैं। दूसरा जो टाइप के मास्क होते हैं उनको मेडिकल या सर्जिकल मास्क बोलते हैं। ये ब्लू या ब्लैक या वाइट रंग में आते हैं, दोनों को कॉमनली मेडिकल सर्जिकल कहा जाता है। 3-ply मास्क की बात करते हैं, यह भी काफ़ी प्रभावकारी होते हैं, लेकिन इनका जो फिट होता है वो हाई फिल्ट्रेशन मास्क की तुलना में कम होता है। फिर तीसरा समूह मास्क का है क्लॉथ मास्क, या जो होममेड मास्क हम को इस्तेमाल कहते हैं। आपका सवाल आएगा कि इनमें सबसे बेहतर मास्क कौन सा है, तो याद रखने की बात है कि अगर फिल्ट्रेबिलिटी और फिट की बात करें तो हाई फिल्ट्रेशन मास्क सबसे बढ़िया होते हैं। सेकेंड बेस्ट मेडिकल या सर्जिकल मास्क होते हैं और थर्ड क्लॉथ मास्क होते हैं। सिर्फ मास्क की क्वालिटी नहीं बल्कि उसके इस्तेमाल पर भी हमारा प्रोटेक्शन निर्भर करता है। लोग पूछते हैं कि हम सही मास्क का चुनाव कैसे करें, तो इसका जवाब है कि आप सही मास्क का चुनाव अपनी उम्र के आधार पर, अपनी कोमोबिलिटी के आधार पर और साथ में अफोर्डेबिलिटी के आधार पर कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आपकी उम्र 60 साल से अधिक है या आप 18 साल से बड़े हैं लेकिन आपको कोई भी कोमोबिलिटी हो, प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन हो, जैसे कि अगर आपको डायबिटीज, हाइपरटेंशन, रेस्पिरेटरी इलनेस, कार्डियोवास्कुलर इलनेस, कोई भी इलनेस है जिसके लिए इलाज चल रहा है, या आप इम्यूनो कम्प्रोमाइज हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को एक बेहतर से बेहतर मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। वो हाई फिल्ट्रेशन मास्क N95 मास्क इस्तेमाल कर सकते हैं, मेडिकल सर्जिकल मास्क इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए आपको रेस्पिरेटरी इलनेस अभी फिलहाल हो गई, बुखार आ रहा है, छाती में दर्द हो रहा है, या अन्य नाक बह रही है, थ्रोट इन्फेक्शन है, तो ऐसे लोगों को मेडिकल या सर्जिकल मास्क जो डिस्पोजेबल कर सकें उसको इस्तेमाल करना चाहिए। साथ में अगर आपको COVID-19 इन्फेक्शन या एक्सपोजर की संभावना है और या तो आप आइसोलेट कर रहे हैं या आप अपने COVID-19 रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, तब भी आपको मेडिकल या सर्जिकल मास्क मिनिमम इस्तेमाल करना होना चाहिए और हर दिन उस मास्क को डिस्पोज ऑफ कर देना चाहिए। याद रखने की बात है कि जो किसी COVID-19 पेशेंट के जो केयर गिवर होते हैं, चाहे वो घर में हो, कम्युनिटी सेटिंग में हो, उनको भी एक अच्छे से अच्छा मास्क, या तो मेडिकल सर्जिकल मास्क या N95 मास्क इस्तेमाल करना है। लेकिन कुछ मोटे मोटे सिद्धांत, द ब्रॉडर प्रिंसिपल कैन बी रिमेम्बर्ड। उदाहरण के तौर पर, अगर आप हेल्दी हैं और आप ऐसी सेटिंग में जाते हैं जिसमें प्रॉपर वेंटिलेशन है और फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जा सकती है, तो आप क्लॉथ मास्क और मेडिकल सर्जिकल मास्क भी ठीक रहेगा। लेकिन अगर आप ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर लगता है कि क्लोज स्पेस है, बहुत सारी भीड़ होगी, वेंटिलेशन ठीक नहीं है, तो या तो आप डबल मास्किंग करिए, सर्जिकल मास्क और उसके ऊपर क्लॉथ मास्क, या N95 मास्क इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप अपना एक रिस्क असेसमेंट रेगुलर बेसिस पर कर सकते हैं और उसके आधार पर मास्क सिलेक्ट कर सकते हैं। एक बात और याद रखने की है कि जब हम डबल मास्किंग की बात करते हैं तो डबल मास्किंग काफ़ी प्रभावकारी होती है, लेकिन N95 मास्क के साथ कोई भी दूसरा मास्क नहीं पहना जाता है, N95 को हमेशा अकेला पहना जाता है। उसी तरह से क्लॉथ मास्क को डबल मास्किंग का इतना फायदा नहीं है। जब डबल मास्किंग का फायदा होता है जब हम सर्जिकल या मेडिकल मास्क के साथ एक क्लॉथ मास्क पहने, और उसमें पहले सर्जिकल या मेडिकल मास्क को पहनना है और उसके ऊपर क्लॉथ मास्क पहनना है। इसकी वजह यह है कि सर्जिकल मास्क होते हैं वैसे तो काफ़ी अच्छी फिल्ट्रेबिलिटी होती है, लेकिन जो किनारों पर उनकी फिट इतनी बेहतर नहीं होती है, तो इसलिए अगर आप सर्जिकल मास्क के ऊपर एक क्लॉथ मास्क पहनते हैं तो उससे उसका फिट इम्प्रूव करता है और आपका प्रोटेक्शन बेहतर हो जाता है। इसलिए सर्जिकल भीड़ भरे इलाकों पर अगर आप N95 मास्क अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो डबल मास्किंग, सर्जिकल प्लस क्लॉथ मास्क पहना जा सकता है। एडवांटेज यह भी रहता है कि आप वापस आकर क्लॉथ मास्क को वॉश कर सकते हैं, तो
आपका इकोनॉमिकल वीक बनाता है। कई लोग सवाल पूछते हैं कि अगर हम मास्क नहीं पहन रहे हैं तो कितनी देर में हमें संक्रमण हो सकता है। मैं जानता हूं कि इंटरनेट पर और विभिन्न प्लेटफॉर्म पर इसके बहुत सारे ग्राफिक्स चल रहे हैं कि 15 मिनट एक घंटे, लेकिन उनका कोई सैद्धांतिक आधार नहीं है। याद रखने की बात है कि अगर दोनों व्यक्ति मास्क पहने हुए हैं, N95 मास्क पहने हुए, तो लंबे समय तक प्रोटेक्शन रहेगा, लेकिन अगर वो रेगुलर रूप से मास्क को हटाते रहते हैं तो प्रोटेक्शन उतना नहीं होगा। ओमिक्रॉन अधिक संक्रामक है तो एक छोटे से एक्सपोजर, करीब 5 मिनट के एक्सपोजर में भी व्यक्ति को संक्रमण हो सकता है, और इसका यह इस बात पर निर्भर करता है कि उस एनवायरनमेंट का वेंटिलेशन कितना है, व्यक्तियों ने कितनी देर मास्क हटाया, दोनों ने कौन सा मास्क पहनाया। तो कोई फॉर्मूले के आधार पर नहीं कहा जा सकता। आप मानकर चलिए कि अगर थोड़ा सा भी एक्सपोजर आपको होता है तो आप संक्रमण की संभावना रहती है, इसलिए बेहतर है कि आप हर समय मास्क पहने रहें। लोग पूछते हैं मास्क पहनते समय किन बातों का ख्याल रखें। तो मास्क पहनते समय कुछ बातों का ख्याल रखें। सबसे पहले, अगर कोई भी मास्क है, मैं आपको एक डेमोंस्ट्रेशन देना चाहता हूं। एक सर्जिकल या मेडिकल मास्क है जिसको कहते हैं, इसका बाहरी हिस्सा है, इसका अंदर का हिस्सा है, थोड़ा वाइट होता है। अब हम इसमें कैसे जानेंगे कि ऊपर का हिस्सा कौन सा है, नीचे का हिस्सा कैसा कौन सा? दो तरीके होते हैं कि जो प्लेट्स होती है वो नीचे की तरफ डायरेक्ट करती रहनी चाहिए, और साथ में आप क्लिप पर भी देख सकते हैं। अब इस मास्क को मैं लूंगा और अपने चेहरे पर लगाऊंगा। मैंने अपने ईयर्स पर फिट किया, इसको नीचे खींचा, इसको नाक का अपना क्लिप से फिट किया, और मेरा देखिए, मेरी नाक कवर है, मेरा मुंह कवर है, और साथ में चिन कवर है। सही तरीका मास्क को पहने का है। लेकिन मेडिकल या सर्जिकल मास्क के साथ चुनौती रहती है, साइड से थोड़ा सा खुला रह सकता है, कितना भी फिट करें तो इनका फिट इतना बेहतर नहीं होता। इसके ऊपर क्लॉथ मास्क पहनने से हमें बचाव बेहतर होगा। मैंने इसको हटा दिया। याद रखने की बात है कि कोई भी मास्क को आप लें तो उससे पहले उसे चेक करें कि उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है, होल तो नहीं है, वो सेफ होना चाहिए। फिर अगर आप मास्क को कैसे, क्या हर बार मास्क को आपको डिस्पोज ऑफ करना है? नहीं, आप कुछ मास्क को नियमित रूप से यूज कर सकते हैं। उनका बेहतर तरीका होता है कि आप मास्क को लीजिए, फोल्ड कीजिए, और कोई भी पेपर बैग हो, जैसे कि मेरे पास ये पेपर बैग है, मैं इसमें उठा के अंदर रख दूंगा। इसको 24 घंटे तक रखा न दीजिए। अगर इस बीच में आपको मास्क पहनना है तो एक दूसरा मास्क पहनिए। कई लोग सवाल पूछते हैं कि बच्चों को कौन सा मास्क लगाना चाहिए। तो भारत सरकार की जो गाइडलाइंस है वो कहती है कि 5 साल से छोटे बच्चों को किसी भी मास्क की जरूरत नहीं है। 5 से 12 साल के बच्चों को जब जितना संभव हो उतना मास्क लगाएं, लेकिन घबराएं नहीं अगर वो बच्चे मास्क नहीं लगाते। मेरी राय में उनको क्लॉथ मास्क पर्याप्त होता है। अगर भीड़ भरी जगहों पर और हॉस्पिटल्स में ले जाना है तो मेडिकल मास्क लगाया जा सकता है। बच्चों के लिए N95 मास्क का इतना अधिक महत्व नहीं है, क्योंकि N95 मास्क का फिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम सही फिट नहीं सिलेक्ट करेंगे तो N95 मास्क खुला रहेगा और काम नहीं करेगा। 12 साल से बड़े बच्चों को एडल्ट की तरह मास्क लगाना है, उनको भी मेडिकल या क्लॉथ मास्क पर्याप्त होगा। लोग पूछते हैं क्या मैं मास्क को वॉश कर सकता हूं? N95 मास्क और मेडिकल सर्जिकल मास्क को वॉश नहीं करना चाहिए। खासतौर से N95 मास्क को अगर आप वॉश कर देंगे तो उसका फिट खराब हो जाएगा और वो सही नहीं रहेगा। मेडिकल और सर्जिकल मास्क के साथ भी यही चैलेंज है। जैसा कि मैंने कहा, मेडिकल और सर्जिकल मास्क को आप लौट कर आने के बाद एक टिश्यू पेपर में या पेपर बैग में रखकर किसी भी किनारे पर रख सकते हैं। साथ में अगर आप किसी हैंगर से भी टांग सकते हैं, 24 घंटे तक टंगा रहने दीजिए, उसके बाद आप उसे दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए आप घर में 2 या 3 कम से कम मास्क रखें। पहले आज जो मास्क यूज किया उसको हैंगर पर या पेपर बैग में रख दीजिए। अंत में, कई लोग फिटनेस फ्रीक है, वो जानना चाहते हैं कि क्या वो एक्सरसाइज करते समय या रनिंग करते समय मास्क पहन सकते हैं। जवाब है नहीं। आपको कोई भी विगरस फिजिकल एक्टिविटी करते हुए मास्क नहीं पहनना है, क्योंकि आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी को अफेक्ट करता है, आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए बेहतर होगा कि या तो अपने प्राइवेट स्पेस, इंडोर स्पेस में विदाउट मास्क फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइज कीजिए, रनिंग कीजिए, या अगर ओपन स्पेस में रनिंग कर रहे हैं तो आप फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, लेकिन रनिंग या विगरस फिजिकल एक्टिविटी में मास्क नहीं पहनना है। आशा करता हूं मास्क के बारे में यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हुई होगी। अगर आपका कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू वेरी मच।